तो फ्रेंड्स, अगर आप फूड वेंचर फोक्स चैनल के फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो वीडियो सेक्शन में जाकर ट्रिची, वेलंकनी, पौंडीचेरी और चेन्नई के ये सारे वीडियोस आसानी से देख सकते हो। इसमें मैंने पूरे तमिलनाडु की जर्नी कवर करी है, तो इस वीडियो को ख़त्म करते ही इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ओके, तो गाइज मैंने स्क्रैम्बल्ड एग बोला है, शेफ ने मोजरेला चीज डाला। शेफ, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? सात साल का। गाइज, ये बटर मसाला डोसा या बटर डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं, तो अगर आपको कभी मौका मिले गोकुलम पार्क सबरी होटल विजिट करने का, आप इनसे ज़रूर मिलिएगा और बटर डोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनाते हैं। थैंक यू शेफ। पापा तू ट्राई कर ये दाल वड़ा। दाल वड़ा कैसे? दाल वड़ा बड़ा बुरा सा। चटनी बुरी है? कोकोनट चटनी? चटनी बुरी है। ओके, इडली ट्राई कर। सॉफ्ट है? ओके, तो दाल वड़ा अच्छा है, बहुत क्रिस्पी है और ये इडली चटनी भी बहुत अच्छी है गाइस। मम्मी ट्राई कर पूरी भाजी कैसी है। पूरी भाजी बढ़िया सा। बढ़िया। इडली ट्राई करते। हाँ हाँ ट्राई कर। इडली बढ़िया सा। चटनी कैसी है? चटनी है नॉट ठीक, बढ़िया सा। बढ़िया। आमी करता था लस्सी चटनी। आमी करता था संता। तुम करता है जैसे। ओके गाइज, ये इडली चटनी मम्मी को भी बहुत पसंद आई, डैडी को भी बहुत पसंद आया और ये पूरी और भाजी भी बहुत अच्छा है। पोटैटो पैटिस पोटैटो पैटिस बना था, क्रिस्पी ऐसा एकदम। हाँ लेकर आई। तो गाइज मैंने बटर डोसा ऑर्डर किया है और थैंक यू। आपका नाम? समीर। थैंक यू। तो अभी एक क्रिस्पी बटर डोसा ट्राई करते हैं।
देख सकते हो आप कितना बड़ा डोसा है। ये देखो बहुत मजेदार है। इसको एक्चुअली मैं किसी चटनी के साथ नहीं खा रही हूँ, मैं ऐसे ही प्लेन डोसा इंजॉय कर रही हूँ। बटर डोसा है, बहुत मज़ेदार है। आपको कभी यहाँ पर गोकुलम पार्क सबरी होटल आने का मौका मिले तो ये क्रिस्पी बटर डोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेफ सुब्रो तो बनाते हैं, आप उनसे ज़रूर मिलिएगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ऐसे भी स्क्रैम्बल्ड एग ट्राई करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे शेफ जब बना रहे थे उन्होंने फर्स्ट मिल्क लिया, उसके बाद एग्स डाले और सॉल्ट और पेपर पाउडर डाल के ये स्क्रैम्बल्ड एग बनाया। मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली ऐसा कुछ ट्राई किया है मिल्क के साथ, बहुत अच्छा है। सो गाइज हमने ऊबर बुक कर ली है और ये ऊबर की गाड़ी आ चुकी है, हम अभी मरीना बीच जा रहे हैं। गाइज यहाँ पे एक विवेकानंद हाउस है, रामकृष्ण मठ लिखा हुआ है, ये एक हेरिटेज म्यूजियम भी है यहाँ पर, विवेकानंदा कल्चरल सेंटर। MGR 100 World Arch. और गाइज इस तरफ जो आप देख रहे हो यहाँ पर मरीना बीच है, लेकिन वहाँ पे एंट्रेंस बैंड है क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है। गाइज उस तरफ मरीना बीच है और यहाँ पर आप देख सकते हो सबवे है, तो यहाँ से हम उस तरफ जाएंगे। तो उस तरफ है मरीना बीच, आज मरीना बीच बहुत क्राउडेड है, आप देख सकते हो काफी सारे लोग आए हैं यहाँ पर। कितने का है ये? 20 रुपीज का। यहाँ पे वाटरमेलन, यहाँ पे कच्ची कैरी बेच रहे हैं और कॉर्न भी है। यहाँ पे पानी पूरी का स्टॉल है। यहाँ पे शुगर केन का स्टॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हो फिश फ्राई मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं फिश। हाउ मच फॉर वन प्लेट? वन प्लेट कितने का? 50 रुपीज का वन फिश, 50 रुपीज का। अच्छा, एक पीस फिश मिल जाएगा आपको। वहाँ पे राइस और एक सब्जी है और थोड़ा सा अचार है। 50 रुपीज का प्लेट है यहाँ पर। विच फिश इज दिस? विच फिश? विच फिश? बवाल। यहाँ पे चाय का स्टॉल है, बिस्किट्स वगैरह है रखे हुए, कुकीज है। यहाँ पे भजी, ये सारे पकोड़े मिल जाएंगे।
ये बंद गोभी के मिर्ची के पकोड़े मिल जाएंगे, पटेटो के, कांदा, यहाँ पे अनियंस के, यहाँ पर आप देख सकते हो बनाना के भी पकोड़े मिल जाएंगे, रॉ बनाना। और यहाँ पर एक सफेद घोड़ा है। हाउ मच फॉर द राइड? हाउ मच? चिल्ड्रन्स 900, पर ऑल नॉट 200। चिल्ड्रन 100, पर ऑल नॉट, एडल्ट 200। बड़ों के लिए 200 रुपए और बच्चों के लिए 100 रुपीज। रिटर्न इंडिया हो रहा मैडम, थैंक यू। सोन पापड़ी गाइस, ये सोन पापड़ी कितने का है? ये 30 रुपीज का, 30 रुपीज का सोन पापड़ी है ये। ओके थैंक यू। ये क्या है भैया? हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश, व्हाट इज दिस कार्ड? वो क्या हिंदी? हिंदी आता है आपको? ये क्या है? नामपुर पाप। नहीं नहीं, है क्या ये? लाइफ टाइम। लाइफ कार्ड? कार्ड वो क्या? आप भविष्य बताते हो? 100। भविष्य बताते हो आप? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कार्ड 100। अच्छा, वो जो कार्ड है उससे वो भविष्य बताएगा? कार्ड वो क्या? उसका 100 रुपीज लेते हो आप? ये देखिए, अंदर एक रैबिट है। कार्ड वो क्या? 100 रुपीज। तो गाइज, अगर आप मरीना बीच आते हो तो शूज़ मत पहन के आइए, क्योंकि आपको चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप देख सकते हो, आप सैंड है यहाँ पर। गाइज, ये मशीन आप देख सकते हो, ये सैंड क्लीन कर रहे हैं इस मशीन की सहायता से। सैंड पर से सारा कचरा क्लीन कर रहे हैं वो। गाइज, यहाँ पे एक सी फिश स्टॉल है। फिश फ्राई कर रहे हैं। कौन सा फिश है ये? मच्छी खाएगा? नहीं, कौन सा फिश है? मच्छी खाएगा बोलो, फर्स्ट को नहीं आएगा, मच्छी खाएगा बोलो, नहीं तो नहीं बोलोगे। उठाओ उठाओ उठाओ। अच्छा, बहुत रूड है ये गाइज, इट्स ओके। मैं इनसे पूछी हूँ कि ये कौन सी मच्छी है, वो बताने को भी रेडी नहीं है। यहाँ पे क्रैब्स वगैरह कुछ फ्राई कर रहे गाइज, ये मरीना बीच का कुछ नज़ारा है। अभी वक्त हो रहा है 4:30, 4:30 बज रहे हैं, और आप देख सकते हो कितना क्राउड है मरीना बीच पर। सब लोग इंजॉय करने आए हैं यहाँ पर, और लहरें भी काफ़ी तेज है। तरफ आप देख सकते हो काफी तेज लहरें हैं।
अगर आप यहाँ पे आते हो तो गाइज आप घुड़सवारी भी कर सकते हो। तो गाइज मरीना बीच जो है चेन्नई में वो वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है और इसकी कोस्ट लाइन आप देख सकते हो वहाँ तक है, लास्ट तक। काफी सारे बच्चे आए हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं पानी में। और यहाँ पे मुझे बड़े बड़े जहाज भी दिख रहे हैं, वो देखो वहाँ पे बड़े जहाज हैं, काफी बड़े शिप्स हैं और बहुत ही छोटे दिख रहे हैं यहाँ से, वो देखिए वहाँ पर। यहाँ पे कैंडी फ्लॉस सेल कर रहे हैं इस तरफ। तो गाइज अभी हम वहाँ से आए थे, वो आप देख सकते हो वहाँ से यहाँ तक आए थे, ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे हमें, 10 to 15 मिनट्स लगे वहाँ से आने में यहाँ बीच की तरफ। आपको एक बीच का पूरा व्यू दे देती हूँ। तो गाइज मरीना बीच पर यहाँ पे आप ये देख सकते हो लैंडमार्क, ये लेबर स्टैच्यू है। गाइज ये लेबर स्टैच्यू है और इसके बस ऑपोजिट साइड यहाँ पे है मद्रास यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मद्रास यूनिवर्सिटी और इस बिल्डिंग का नाम है यली लहाम। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफिस है। गाइज आप देख सकते हो लेफ्ट साइड यहाँ पे ये लाइट हाउस है मरीना बीच का, ये वाला। और यहाँ पर D5 मरीना पुलिस स्टेशन है और हमने जहाँ से एंट्री किया वो एक्चुअली मेन एंट्रेंस है मरीना बीच का। यहाँ पे कुछ
सेलर्स फिश सेल कर रहे हैं, ड्राई फिश भी है और आप फिश भी देख सकते हो, फ्रेश फिश भी यहाँ पे सेल होता है। और इस तरफ काफी प्यारी बिल्डिंग्स देख सकते हो आप, कलरफुल एकदम। यहाँ पे लाइंस है, सब अलग अलग कलर्स के बिल्डिंग्स दिख जाएंगे आपको। और ये पूरा मरीना बीच है, ये पूरा यहाँ से। अच्छा, मुझे अभी पता चला, ड्राइवर जी ने बताया कि वो राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स दिख रहे थे वो सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं है, वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। गाइज वहां पे छोटे छोटे बोट्स देख सकते हो आप उस तरफ। इस तरफ एक चर्च है। Thank you.